हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम ICSE क्लास 10th सेकेंड चैप्टर बैंकिंग पढ़ेंगे और बैंकिंग का कंसेप्ट समझेंगे, उसमें क्या दो तीन टर्म है और उसके बेस पे क्वेश्चन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग में आपको ये बैंक से रिलेटेड टर्म जानना है। जैसे एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है समझिए। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब, जैसे आप बैंक में जाते हो कोई स्कीम है, ये ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो उसमें होता है कि आप 100 रुपया पर मंथ या जैसे भी इच्छा हो, 100 रुपया 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, यानी फिक्स टाइम बाद फिक्स अमाउंट जमा कर रहे हो किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। जैसे आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हो, मान लो 2 साल के लिए, तो 100 100 100 2 साल तक। तो ये जो अमाउंट होता है ना, इस पर आपको SI मिलता है और वो SI आपको बेनिफिट भी कराएगा, तो उसी के बारे में जानना है। यही कहलाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो रिकरिंग मतलब क्या, बार बार फिक्स टाइम बाद पैसा जमा करते रहना। तो आप किसी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कम से कम आप 6 मंथ के लिए खुलवा सकते हो और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए। और इसी तरह 6 मंथ के लिए खुलवा सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट समझा, ऐसा अकाउंट जिसमें हम बार बार अभी 100 रुपया जमा किया इस मंथ, फिर अगले मंथ 100 रुपया, ऐसे ही जितने टाइम तक आपको जमा करना है, मिनिमम 6 मंथ। दूसरा होता है FD, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आप जो भी पैसा होता है, ठीक है, जो भी पैसा होता है उस पैसे को बैंक में तो जमा करते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद निकालते हो। बार बार जमा नहीं करना है, रिकरिंग नहीं करना है। ऐसा भी 100 रुपये जमा किए तो कुछ टाइम बाद निकालोगे, तो उसमें मिनिमम डेज 7 डे होता है और मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो अगर आपके पास 500 रुपये है तो 500 रुपये का अपने बैंक में जमा किया, लेकिन आपको निकालोगे कम सर्टेन टाइम बाद, 1 साल बाद 2 साल बाद, बार बार निकालना वहाँ पे नहीं है, ठीक है। बार बार जमा भी नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट FD है। एक बार फिक्स हो गया, डिपॉजिट हो गया बैंक में, उस पर जो रेट इंटरेस्ट मिल रहा है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए FD वाला तो समझना नहीं, मेन समझना है आपको ये वाला रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये पर मंथ प्लानिंग कर रहे हो, पहले मंथ आपने 100 रुपये दिया, फिर दूसरे मंथ 100 रुपया, तीसरे मंथ 100 रुपया, ऐसे ही करके आपने 6 मंथ तक पैसा बैंक में जमा कराया, ठीक है भाई, 6 मंथ तक जमा कराया बैंक में, ठीक है, 6 मंथ तक पैसा जमा कराया। तो जो पहला आपका मनी है 100 रुपीज़, वो कितने मंथ तक बैंक में काम किया, 6 मंथ तक। और 6 मंथ के बाद आपने विथड्रा कर लिया, क्या कर लिया, विथड्रा मतलब निकाल लिया। तो भाई ये पहला जो 100 रुपीज़ है, ये 6 मंथ तक बैंक में पड़ा रहा है ना, तो 100 × 6 6 मंथ तक बैंक में पड़ा रहा। दूसरा वाला पैसा 5 मंथ तक, तीसरा वाला 4 मंथ तक, ये 3 मंथ तक, ये 2 मंथ तक, ये आपका 1 मंथ तक, यानी इतना ऐसे पड़ा रहा है, आप समझ रहे हो। ये 6 महीने तक रहेगा ना, ये 5 महीने तक रहा, ये 4 महीने तक, ये 3 महीने तक बैंक में पड़ा रहा। तो बैंक जितने टाइम तक जितना अमाउंट रखती है उस पर SI देती है। तो पहले वाला 600 रुपये, यानी 100 रुपये 6 महीने तक रखा, तो इस पर SI देगी इतने पे, इस पर थोड़ा कम मिलेगा, इस पर थोड़ा कम मिलेगा। तो ये सब पूरा चीज़ें होंगे यहाँ पर, देखो 100 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 6 5 4 3 2 + 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये पूरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं। तो इस नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, n(n+1/2), ये भी याद रखिएगा, फॉर नेचुरल नंबर बस, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 100 n, n का मतलब 6 n+1/2, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है।
अब देखो मैं क्यों ये फार्मूला लिखा रहा हूँ, आप तो जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 36 मंथ के लिए दे दिया तो क्या आप बैठ के एग्जाम में जोड़ोगे, घर पे जोड़ोगे? टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, तो इतना टर्म ये बन गया। तो देखो अब हमको SI मिलेगा। SI का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। तो वो कैसे मिलेगा? देखो ये आपका P, ठीक है, ब्रैकेट में N, ब्रैकेट में N+1/2, ये हो गया, ये आपका इतने मंथ तक, ठीक है, ये टाइम हो गया। भाई कौन पैसा कितने महीने तक रहा, ये समझ गए कंसेप्ट ना? ये 6 मंथ तक, तो ये पूरा टाइम हो गया। इंटू R, अगर मान लो रेट परसेंट पर है ना, मैं तो R/12 करेंगे और बाई 100 क्यों करते हैं आपको मालूम ही है, क्योंकि ये फार्मूले में पड़े हो गए, P×R×T/100। SI का फार्मूला लगाते हो ना, SI=P×R×T/100। तो P तो ये रहा, T का मतलब इससे कंसेप्ट लेंगे, T का मतलब ये कंसेप्ट देगा, ठीक है आपको। R का मतलब R/12 1/100। R/12 मैंने क्यों कहे भी समझो, अगर रेट परसेंट पर एनम है तो एक महीने का निकालने के लिए हम R/12 करेंगे। अगर मान लो उसमें रेट परसेंट पर मंथ दे दिया है तो कोई मतलब नहीं है, आपको 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 12 तभी लिखेंगे जब रेट किस में हो, रेट पर एनम में हो, क्या हो? पर एनम में हो, ठीक है, बात समझिएगा, पर एनम में हो तो रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो इसी का मुझे निकालना है, तो कैसे SI निकालेंगे? देखो तो SI=2 क्या हो जाएगा, 100 N ब्रैकेट में, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 21। आप इसको सीधे सॉल्व कर लीजिए, 21। R मान लेते हैं, R कितना है, 10% मान लो, रेट कितना है, 10% पर एनम, यानी एक साल के लिए। तो भाई उसको साल है तो ईयर मंथ में चेंज कर दो, 10/12 1/100 होता ही है, फार्मूला वहाँ से मिला लो SI का, ये वाला, ठीक है। तो अब सॉल्व करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर हो गया 3×4=12, 3×7=21, 4×2=5, यानी 35/2, यानी 17.5 रुपये, ये क्या हो गया आपका, SI हो गया, क्या हो गया, SI हो गया। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, 100 रुपये जमा किया था ना, कितनी बार जमा किया था, 6 बार, प्लस SI कितना मिला है, 17.5, इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 + 17.5, यानी 617.5 रुपये, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको समझने की ज़रूरत थी यही, ठीक है। तो आप जितने टाइम तक पैसा जमा किए वो हो जाएगा 100×6, मिलेगा ना भाई, 600 रुपये तक वो मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो ये हो गया। तो एक ही फार्मूला है यही वाला, आप मन करे तो लिख लो, चाहिए फार्मूला आप ऐसे भी समझ सकते हो विजुलाइज करके माइंड में, ठीक है। पी जो आपका वैल्यू है 100, टाइम R/12 1/100, ठीक है, 100 लगता है SI में, वो रहा, ठीक है। तब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो देख लीजिएगा, पूरा विथड्रा किया है उन्होंने, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला 400 रुपी पर मंथ 20 महीने के लिए बैंक में, तो बताइए कितना अमाउंट पाएंगे मैच्योरिटी के बाद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% पर एनम है और जो इंटरेस्ट है वो मंथ के लास्ट में कैलकुलेट होगा, यानी ईच मंथ, बोल दिया ना, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी प्रत्येक महीने पर, तो रेट को क्या लेना पड़ेगा, मंथ में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 400 रुपये से बिगिनिंग किया, टाइम कितना था 20 मंथ, रेट कितना था 8.5 पर एनम, ठीक है, ये हो गया। तो अब एक चीज़ देखो, 8.5 है पर एनम, तो इसको मैंने पर मंथ में बदल दिया, यहीं पे बदल देते हैं पर मंथ, हो गया। अब देखो SI निकालना है, तो पी की वैल्यू वही रहेगी, फार्मूला भी लिख लो, भूल जाओ तो, पी एन ब्रैकेट में N+1/2, ये टाइम है, N का मतलब क्या होता है, टाइम इन मंथ, ये भी समझना बहुत जरूरी है, टाइम इन मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, R/12 1/100, ठीक है, ये तो फार्मूला है। तो P की वैल्यू 400, ट्वेंटी
20 × 21/2 R/12 यानी 8.5/12 1/100, ठीक है। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल्स, और ये वाला इससे कैंसिल 2, ये 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 41 × 8.5/6, ठीक है, मिला लीजिएगा n ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से सही हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करना तरीका सीख ही गए कैसे करते हैं। 2 बचा यहाँ पे, 2 6, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, गलत हो गया, 420, ठीक है, 70 595 रुपीज़, ये क्या हो गया आपका एसआई हो गया। जब ये एसआई आ गया तो आप क्या करोगे, आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो मैंने बताया था टोटल अमाउंट्स का फार्मूला क्या होता है, आपने कितना रुपए कितने मंथ तक जमा किया, 20 मंथ तक जमा किया भाई, तो 20 महीने का ना पैसा मिल जाएगा। तो ये हो गया था ना +595, इसको जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट सिंपल सा था कि आपने पैसा लिया, हर एक मंथ जमा कर रहे हो, तो आपका ये फार्मूला लगेगा पी, जो शुरुआत में जिससे बिगनिंग किया 400, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट पर एनम को हमने मंथ में बना दिया 1/100, वही फार्मूला है सही वाला है, P × R × T/100। यहाँ पर T ये रिप्रेजेंट कर रहा है, R ये रिप्रेजेंट कर रहा है, P ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, रेनू ने एक डिपॉजिट अकाउंट खोला जिसमें 200 रुपया पर मंथ जमा कर रही है 10% पर एनम से, और लास्ट में इतना रुपये पाती है मैच्योरिटी के बाद, तो बताइए कितने टाइम तक जमा किया अकाउंट में वो पैसा, कितने टाइम तक पैसा अकाउंट में रहा, ठीक है। तो देखिए रेनू ने अकाउंट खोला तो पी कितने से शुरुआत किया भाई, 200 रुपये, ठीक है, और रेट कितना था भाई 10% पर मंथ, पर एनम था, पर एनम, वो पाती कितना है बाबू 6675 रुपीज़, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद। तो बताइए कितना टाइम तक वो पैसा जमा की बैंक में। तो सब कंसेप्ट क्लियर है, इसको हम पर एनम को क्या बदल देंगे 10/12 पर मंथ, ये हमेशा याद रखिएगा, पर मंथ का कंसेप्ट लगेगा क्योंकि मंथ में निकालना है। देखो बोला है ना 200 रुपये पर मंथ, उसमें ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन में कैसे जमा कर रही है, 200 रुपये पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। देखो तो एसआई क्या होता है वो निकालने की प्लानिंग हो रही है, तो अमाउंट तो ये आपका अमाउंट माइनस पैसा कितने मंथ तक जमा हुआ है, एन मंथ तक, नहीं ना मालूम है कि नहीं मालूम है एन मंथ तक, तो अमाउंट कितना है 6775 − 200N, ये आपका एसआई हो गया एसआई। तो अब जब एसआई हो गया तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला यही ना है, एसआई इक्वल टू पी इंटू एन ब्रैकेट में n+1/2 × R/12 × 1/100, ठीक है, यही बात है पूरी, समझ गया, यही फार्मूला। देखो पी ये आर, सॉरी ये टी, ये आर, ये बाई हंड्रेड, पी आर टी बाई हंड्रेड, वही कंसेप्ट है एसआई वाला। तो पी की वैल्यू कितनी है बाबू 200, एन, एन नहीं मालूम है, एन को ऐसे ही लिखिए, एन ही तो आपका मंथ है, रेट है 10/12 हो जाएगा क्योंकि आर बाई 12 करना था हमें। देखो आर जो है ना, आर पर एनम है, उसको 12 से डिवाइड करोगे तब पर मंथ बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1/100। एसआई कितना आया था 6775 − इतना n, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसको कलर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 2 5 = 12, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसको घर कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ 6775 − 200N में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे बचा है सिर्फ 12 बचा है, ठीक है, एक ये 2 है तो 2 6 = 12 भी कट जाएगा ना, मिला लो 2 6 = 12, ठीक है, तो नीचे 6 बचेगा, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, और यहाँ पे क्या होगा 5 ब्रैकेट में
एन प्लस वन इंटू एन, तो यहाँ पर जाएगा फाइव एन स्क्वायर प्लस फाइव एन, क्योंकि पहले आप फाइव से कर लो ना, फाइव एन फाइव तो फिर एन से, ठीक है। कितना हो गया माइनस बारह सौ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइव एन स्क्वायर होगा, ये इधर जाएगा तो कुछ देगा यानी ट्वेल्व हंड्रेड फाइव एन, और यहाँ पे ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना है और वहीं से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बात समझने का तरीका डेवलप कीजिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने n मंथ माना है, कितने मंथ तक, तो ऐसे मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पर लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, ये आप सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के इस क्लास के माध्यम से ये जाना कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है, उसके बेस पे क्वेश्चन क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने समझा। रिकरिंग मतलब बार बार, ठीक है। आपसे पूछ सकता है रेट बताओ, टाइम बताओ, ठीक है, प्रिंसिपल बताओ, सब कंसेप्ट वही है, लेकिन फार्मूला एक ही है, उसी फार्मूले पर सब होगा, सब उसी पर रोटेट करना है। अब बेसिक मैथ स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आप कर भी सकते हो बैठ के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।